नमस्कार, सोनू कुमार रूपी ब्लॉग, स्वागत है आप लोगों का। आज मैं यहाँ हूँ खेत में टहलने के लिए, तो मैं दिखा रहा हूँ धान मेरा कैसे हो गया है। एक एक धान रोपा था, तो देखिए धान मेरा जो ये दिखा रहे हैं धान ठीक है। तो प्रश्न मैं दिखाऊंगा, ये धान मेरा पकने कटार पे है, तो ये पक भी गया है, हमको लग रहा है दो चार दिन में कटने वाला है। तो देखिए थोड़ा ये बारिश आने की वजह से ये गिर गया है। ये धान कितना बढ़िया है, मैं जब इसको रोपा था तो कहने वाले कहते थे कि धान होगा नहीं, लेकिन फिर भी देखिए धान कैसा हो गया, कितना बड़े बड़े धान है। तो मैं इसमें काला नमक भी बोया हूँ, जो धान है उसको मैं दिखाऊंगा। देखिए पूरी खेती मेरी तैयार हो गई है और लोगों की ज़्यादा भी नुकसान हुई है, मेरा तो थोड़ा सा गिरा है। तो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ पूरा। तो फ्रेंड्स देखिए ये काला नमक है, ये जो सामने वो दिख रहा है ये काला नमक है, ये भी पूरी 10 फुट गया तैयार भी, ये भी होने वाला है। जब मैं धान को लेने गया था दुकान पे तो मैं बताया भी था कि हमको नया धान चाहिए रिसर्च वाला, तो यही धान मिला है हमको। 5 कट्ठा में 3 किलो लेकर आया था और एक एक धान रोपा था। और जो धान है इसका नाम है संपदा। देखिए इतना बढ़िया धान, हमको लग रहा है संभा धान नहीं है ये, इसके आगे वो भी फीका हो गया है संभा धान। खाने के लिए भी बहुत मस्त है। और भी मेरा खेत है तो अभी मैं दिखाऊंगा, उसमें भी मेरा नुकसान हो गया है। जो धान है वो मंसूरी धान है वो गिर गया है, बारिश की वजह से नुकसान भी हो गया है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो हमारे वीडियो बने रहिएगा, अगर हम चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू बने बेल आइकन घंटी बजाएं, ये लेटेस्ट वीडियो आपको पहुँचती रहे। लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स मैं आ गया हूँ अपने जो ये बगल में जो मेरा खेत है, ये भी दिखा रहा हूँ, ये मंसूरी धान है, ये भी फूट गया अभी तरह से। देखिए जो ये रोड के साइड में देखिए कैसे ढहा हुआ है, ये इसलिए ढह गया कि ज़्यादा बड़ा हो गया था और पानी भी लगा था इसमें। दिखा रहा हूँ कितना नुकसान हो गया है, देख रहे हैं यहाँ तक वहाँ तक जहाँ तक नज़र जा रही है, देखिए कैसे गिरा हुआ है धान, किसानों का कितना नुकसान हो गया है।